बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है यूएस मार्केट्स बहुत जम के गिर रहे हैं और रीज़न है यूएस का इन्फ्लेशन डेटा जो अभी छः बजे रिलीज हुआ है इन्फ्लेशन बढ़ के आया है तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हर बार की तरह क्या बाय हो जाएगा या फिर शटर बंद हो जाएगी जो मैजिक शटर है ना आपने वो वीडियो देखा होगा एक बॉटल डालो दो निकल के आती हैं एक चिप्स का पैकेट डालो दो निकल के आता है सौ का नोट डालो दो सौ वापस आते हैं फिर पूरा बटुआ वटुआ सब कुछ डालो शटर बंद तो देखते हैं शटर बंद होने वाली है या फिर हर बार की तरह डिब्बाए होगा थोड़े से आपके इन्फ्लेशन के और मैक्रोस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा, तो अच्छे से ध्यान से सुन लेना और जो वीकली ट्रेडर्स हैं मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि इसी हफ्ते में निफ्टी बाईस के आसपास दिख रहा है कैल्टनर चैनल पे भी स्टैंडर्ड डिशन के सेटअप पे भी और विद इन वन वीक से बाय नेक्स्ट वीक तक 22,200 300 तक के भी टारगेट बन रहे हैं तो जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी गिरा है ओपन ही बाईस पाँच सौ पर होगा ऐसा लग रहा है फ्राइडे को अगर यूएस मार्केट रिकवर नहीं करते हैं तो, तो जो समझदार ट्रेडर है वो बढ़िया पैसा बना लेगा ना वीकली वे ठीक है तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन थी 3.4 परसेंट आएगा लेकिन आया है 3.5 परसेंट अब मैं पिछले एक साल से बोल रहा हूँ कि इन्फ्लेशन का बढ़ना शॉर्ट टर्म बुलिश होता है और लॉन्ग टर्म भी होता है थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करता हूँ मैक्रोस के इन्फ्लेशन का बढ़ना शॉर्ट टर्म बुलिश इसलिए होता है पहली बात तो सप्लाई डिमांड का खेल है अगर डिमांड ज़्यादा है प्रोडक्ट की चीज़ों की चाहे वो फूड आइटम्स हो सर्विसेज हो गुड्स हो कोई भी बिजनेस हो अगर डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली प्राइजिंग ज़्यादा होगी महंगी मिलेंगी चीज़ें सब कोई ख़रीदना चाह रहा है तो अपने आप प्राइजेज ऊपर जाएंगे तो इन्फ्लेशन का बढ़ना मतलब लोगों के पास पैसा है और जब तक लोगों के पास पैसा है तब तक एप्पल के आईफोन भी खरीदे जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट भी खरीदे जाएंगे गूगल की अमेजोन की सर्विसेज भी ली जाएंगी कंपनीज की सेल्स रेवेन्यू प्रॉफिट सब अच्छा होगा और इन्हीं से स्टॉक मार्केट चलता है तो स्टॉक मार्केट भी इन्फ्लेट होगा इन्फ्लेशन सिर्फ चीज़ों में या सर्विसेज में नहीं है इन्फ्लेशन एसेट क्लासेज में भी है एंड स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ देम शॉर्ट टर्म में बुलिश माना जाता है सेंटिमेंट वाइज अच्छा है लोगों के पास पैसा है लेकिन लॉन्ग टर्म में अल्ट्रा बियरिश माना जाता है रिसेशन तक ला सकता है इन्फ्लेशन है ना हिस्ट्री है अभी हम चार्ट पे चल के ईल्ड कर्फ की बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट है ना तो लॉन्ग टर्म में बियरिश क्यों होता है क्योंकि इन्फ्लेशन अगर एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं मतलब लोन्स महंगे हो जाते हैं कॉर्पोरेट्स के रिटेल के सबके लोगों के पास पैसा कम हो इसकी कोशिश करता है सेंट्रल बैंक क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ना और लगातार बढ़ना ये ऐसी चीज़ है कि कंट्रोल नहीं किया तो फिर तोते की तरह उड़ जाता है फिर ये है ना तो आपको पता है जन्म पॉल किस तरह से रेट कट रेट हाइक किए जा रहा है पाँच साढ़े पाँच परसेंट है इंटरेस्ट रेट है ना और रेट कट नहीं कर रहे हैं अभी तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए तो इंटरेस्ट रेट हाई रहना और लंबे समय तक हाई रहना इसकी मार इतनी जम के पड़ती है इकनॉमी पर आप इसको इससे कंपेयर कर लो आपके घर का बजट है आप उस आपका महीने का बजट एक लाख है आपकी ई एम आई चालीस हज़ार जाती है लेकिन आर बी आई ने इंटरेस्ट रेट हाई कर दिए सब चीज़ें महंगी हो गई ई एम आई ज़्यादा कटने लगी चालीस हज़ार की जगह अब सत्तर हज़ार ई एम आई कटने लगी तो आप तीस हज़ार में गुजारा करोगे कब तक करोगे छः महीने आठ महीने एक साल दो साल उसके बाद जवाब दे जाएगी बैंक सी हो जाएगी है ना तो हायर इंटरेस्ट रेट ये इंडिविजुअल लेवल पे है कॉरपोरेट लेवल पे तो कितना बड़ा बोझ रहता है कर्जों का है ना तो इंटरेस्ट रेट अब जो डेटा आया है ये शॉर्ट टर्म बुलिश तो होता है कि लोगों के पास पैसा है लेकिन क्योंकि ये इतने लंबे समय से इंटरेस्ट रेट हाई हैं और इस इन्फ्लेशन के डेटा ने ये कंफर्म कर दिया कि अब इंटरेस्ट रेट कम नहीं होने वाले उल्टे बढ़ और सकते हैं या फिर इतने ही रह सकते हैं मतलब कि जो मार पड़ रही है ई की कॉरपोरेट्स पर रिटेल पर वो मार पड़ती ही रहेगी और जितने लंबे समय तक इंटरेस्ट रेट हाई रहेंगे उतना ही चांसेस बढ़ते जाना है रिसेशन का अल्टीमेटली इंसान जवाब दे देगा कब तक चलाएगा अपने खर्चे सेविंग्स ख़त्म हो जाती भाई। 40 है भाई चालीस हजार ई एम आई है सत्तर भर रहे हो सेविंग्स में से खर्चा कर रहे हो सेविंग कब तक चलेगी तो मार्केट इसको शॉर्ट टर्म बुलिश लेता है लेकिन अब क्योंकि एक साल से ज़्यादा हो गया है, तो मार्केट इसको भयानक तरीके से नेगेटिव ले सकता है शॉर्ट टर्म में क्यों क्योंकि मार्केट सेंस कर लेगा कि रिसेशन आने वाला है अब रेट हाइक भी हो सकते हैं रेट कट तो भूल जाओ ठीक है तो आज जो डेटाया इन्फ्लेशन का अभी तक मार्केट उसको शॉर्ट टर्म बुलिश ले रहा था इन्फ्लेशन बढ़ने को लेकिन इस बार से लॉन्ग टर्म बियरिश तो है ही शॉर्ट टर्म भी अल्ट्रा बियरिश ले सकता है डिपेंड करता है यूएस मार्केट कैसे क्लोज होते हैं चार्ट पे चल के देखते हैं क्या चल रहा है वो बेसिक आपको आसान भाषा में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और इसीलिए मैं भाई बड़े पैसे के लिए ट्रेड करता हूं है ना डेली इज जिग नहीं है एट्टी ट्वेंटी रूल आपको समझा दिया मेंबर्स तक रखा था पहले पब्लिकली बता दिया

मार्केट जब तक नहीं गिर रहा तब तक मैनेज करें भाई अपना डिसिप्लिन अपने पास ही तो रखना होगा ना कि पूरा पैसा वीकली में स्वाहा और उसके बाद देख लेंगे तो भाई जो समझदार है ना मेरे तो नाइनटी थ्री परसेंट में बस जून में है रिसेशन आया ना तो बहुत जम के छापेंगे ना बाकी सब देखते रह जाएंगे एनी वेज ये तो मार्केट डिसाइड करेगा हम मेहनत कर रहे हैं और एजुकेटेड व्यू पे चल रहे हैं ठीक है भाई ऐसा कुछ सीन है डाओ फ्यूचर्स 500 सौ पॉइंट से ज्यादा डाउन है 500 पॉइंट्स ठीक है इंस्टेंट क्या जबरदस्त कैंडल बनी है, बजे डेटा रिलीज हुआ था इन्फ्लेशन का 39270 से डाउ 38825 500 सौ पॉइंट तो एक मिनट की कैंडल गिर गया था और इसके बाद भी रुक नहीं रहा है नीचे ही जाता जा रहा है इसको जरा अपन 15 मिनट पे देखते हैं वॉल्यूम में घुस गया है डेली पर देख लेते हैं ऐसा है भाई है ना रोक के नहीं रुक रहा है पैनिक अगर यूएस मार्केट ओपन हो चुके हैं और ओपन होते से ही ये गिर रहे हैं ना एस एन पी देख लेते हैं देखो इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है और ये बड़े क्रिटिकल पॉइंट पे है मार्केट है ना फाइव वन फोर फाइव ये सब बड़ी यही इस बड़ी कैंडल का लो था है ना तो ये टूटा और मुझे लग रहा है आज टूट सकता है तो भाई नीचे का ओपन है, है ना हम मान लेंगे हो गया है ठीक है लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ देखो मैं हमेशा बोलता हूँ चार्ट्स है ना चार्ट्स देखो तो अभी एस पे अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर्स वॉल्यूम इंडिकेटर्स और एक्शन और ये सब देखेंगे अगर ट्रेंड इंडिकेटर्स तो लंबा हो जाएगा वीडियो मैं बात करना चाहता हूँ मैक्रोस की क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा आया है तो सबसे पहले हलचल मची है यील्ड्स में बॉन्ड डील्स और आपको यील्ड कर भी समझाऊंगा है ना बहुत लोग नए भी हैं तो वो भी समझें आज देखो एचडीएफसी बैंक के सब भयंकर डाउन है आईसीआईसीआई बुलिश तो फिर भी रेड है अरे जम के पटाई होने वाली है फ्राइडे को एफ आर वाई डी ए वाई ठीक है इजराइल लग गिनना शुरू हो गया यील्ड्स देखो आप 10 ईयर यील्ड्स 4.47 2.5% भाई साहब 2.5% वीक्स बाय वीक्स ब्रेकआउट दे रहा है ना यूएस का विक्स देखो छ सात परसेंट ऊपर इंडेक्स तो ऐसे भाग रहा है स्मॉल कैप जैसे 103 समथिंग दस हो गए अभी 105 टच करने वाला एक परसेंट ऊपर भाई इसी तरह के मूव से ट्रिगर होते हैं कोलैप्स है ना बस देखना डिप बाय होता नहीं वर्ल्ड कप चलते हैं अभी जरा देख लेते हैं ये सब ठीक है गैप डाउन सस्टेन करे जापान ओपान सब डाउन है अपना गिफ्ट निफ्टी ट्वेंटी तो डी हाई से लगभग दो सौ ढाई सौ पॉइंट नीचे है, है ना तो निफ्टी क्लोज हुआ था ट्वेंटी टू सेवन फिफ्टी थ्री सीधा ट्वेंटी ओपन होगा अगर यूएस मार्केट नीचे ही रहते हैं तो और इंडिया विक्स इलेवन पॉइंट वन जिसने उठा लिया आज भी मैंने जून के ऑप्शन खरीदे मेंबर्स में इन्फॉर्म कर दिया कौन से ऑप्शंस खरीदे है ना मिड कैप निफ्टी के भी ले गया मैंने क्लोजिंग मिनट्स में बता दिया था ना मिड कैप निफ्टी का तो मुझे लग रहा है क्योंकि 2000, जो यूएस का कैप इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा पिट रहा है कंपेयर टू डाउ तीन परसेंट तो मिड कैप और स्मॉल कैप की होने वाली जम के पिटाई Friday को है ना भयानक रेड कैंडल ठीक है तो ये सीन है रसेल 2000, और देख लेते हैं इसका भी निचाना जरूरी जंक वॉन्ट बाय टीएलटी सब अलाइन हो जाएंगे ये तो अभी भी स्प्रेड बना हुआ है हाँ और इस पर बात करते हैं टेन ईयर माइनस टू ईयर हील कर है ना इस पर बेसिक पे मैं जाऊंगा तो लंबा होगा वीडियो तो इसलिए बेसिक में नहीं आ रहा एनवीडिया ग्रीन है ना संभालने की कोशिश तो हो रही है देखेंगे है ना टेन ईयर माइनस टू ईयर ईल करो इसकी इम्पोर्टेंस मैं शॉर्ट में बता देता हूँ इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये जब भी इन्वर्ट हुआ है इन्वर्ट मतलब माइनस में आया है तो एक से दो साल या उससे भी कम समय में रिसेशन आया ही है स्टॉक मार्केट क्रैश आया ही है विद जीरो एक्सेप्शंस ठीक है अभी जो मैं बात करने वाला हूं बात करने वाला हूं कितने दिन तक ये इन्वर्टेड रह पाता है क्योंकि एक टाइम पर तो नॉर्मलाइज हो जाएगा टेन ईयर माइनस टू ईयर का इन्वर्ट होना मतलब आप ये समझो कि आप 10 साल की एफडी कर रहे हो तो कम रिटर्न मिल रहे हैं और दो साल की एफडी कर रहे हो तो ज़्यादा रिटर्न मिल रहे हैं तो भैया ऐसा बैंक को क्या मजबूरी आ गई कि पैसों की इतनी ज़रूरत है आपके कि बोल रहा भैया दो साल के लिए दे दो यार लेकिन दे दो एफ करा लो ज़्यादा रिटर्न दे, दे देंगे ये बैंकिंग सिस्टम की हेल्थ ठीक नहीं है ये ईलगर का इन्वर्जन यही बताता है है ना ये बड़ा डेंजरस चीज होती है लेकिन ये सस्टेन कर रही है क्योंकि फेड मनी प्रिंट कर रहा है और लोगों के पास पैसा है एम्प्लॉयमेंट डेटा है अच्छा है सब है तो इसमें टाइम लग रहा है अब ये इन्वर्ट कब हुआ था 28 मार्च 2022 है ना वीकली मैंने लगा रखा है मार्च 2022 से लेके आज की डेट तक होते हैं 106 वीक्स 742 डेज से ये इन्वर्ट है हम हिस्ट्री में जाके देखेंगे कि प्रीवियस जो इन्वर्जन पीरियड रहे हैं वो कितने टाइम तक रहे हैं सो दैट हम समझ पाए कि ये कितना और टाइम तक चल सकता है है ना वैसे तो अभी मार्केट सारी नई हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है ये हमने ज़ीरो लाइन बना रखी है ना ये जीरो लाइन है ब्लैक वाली तो ज़ीरो से नीचे सारे इन्वर्जन पीरियड देखो जीरो लाइन के नीचे यहाँ पे भी आया था एक हफ्ते के लिए अगस्त दो हज़ार उन्नीस और क्रैश आया था मार्च में तो सात आठ महीने यहां लगे थे लेकिन यहाँ टिका नहीं था जीरो नीचे तो इसको इग्नोर करते हैं और पीछे चलते हैं 2006 2006 2008 है ना 2008 में रिसेशन आया था जनवरी 2008 से शुरू हुआ था ईल तक रहा था यहाँ से दिसंबर 2005 से लगभग जून 2007 तक है ना मतलब 525 डेज 75 फाइव बार्स मतलब अभी हम जितना टाइम तक इन्वर्टेड है उससे कम रहा था और इसने अन देखो कितनी तेज़ी से शुरू किया था और जैसे ही अन इन्वर्जन शुरू किया था है ना वहाँ पर फाइनल ब्लो ऑफ टॉप बने थे और मार्केट क्रैश होना शुरू हो गए थे तो हमको अभी देखना ये है कि इस तरह के मूव्स आए अन इन्वर्जन दिखे है ना जब भी होगा वो बहुत तेज होगा लेकिन टाइमिंग वाइज देखो आपके पिछली बार सेवेंटी फाइव वीक्स तक रहा था दो हजार आठ में और अभी रहा है अभी चल रहा है हंड्रेड सिक्स वीक्स तो अगर तब इतना बड़ा कांड हुआ था तो अब कितना बड़ा हो सकता अब है आप जरा मैग्नीट्यूड देखो समझने की कोशिश करो देखो कोई नहीं बताएगा टी वी मीडिया चैनल्स पर मैं सिर्फ वही बोल रहा हूँ जो चार्ट्स बोल रहे हैं ठीक है दो हजार छ इसके पहले देख लेते हैं क्या पीरियड रहा इसके पहले देखें तो ब्रीफली यहाँ कहीं जून नाइनटी एट वगैरह इन्वर्ट हुआ था है ना उसके बाद ये काफी टाइम ऊपर रहा है ना और अन इन्वर्जन होना शुरू हुआ दिसंबर दो हजार वगैरह में बट स्टॉक मार्केट पहले ही क्रैश होने लगे थे बट ये वन थर्टी नाइन वीक्स तक चला था है ना अगर इसको यहाँ से काउंट करें तो अदरवाइज यहाँ से काउंट करें तो बहुत कम फोर्टी एट बार्स जितना भी है रफली हंड्रेड एंड थर्टी वीक्स तो और हो सकता है हम और चार छः महीने एक्सटेंड कर जाएं क्या पता भाई है ना उस समय फेड इतना एक्टिव नहीं था कि मनी प्रिंट कर रहे हैं लेकिन अभी है ठीक है तो और लंबी हिस्ट्री में मैं नहीं जा रहा वीडियो ज्यादा लंबा नहीं रखना चाहता बट पॉइंट यही है इस वीडियो का कि जो भी होगा वो बड़ा ही होगा है ना और जो शॉर्ट साइटेड लोग हैं अरे तो अरे यार न्यू अरे हम तो हरी घास खाएंगे ये टाइप के लोग हैं ना इनको मार्केट पहले खत्म करे टोटली खत्म है ना ये सिर्फ देखते रहे मार्केट को ये तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जब हल्का हो जाएगा मार्केट तो कम प्लेयर्स ही बचेंगे शॉर्ट साइड पे तब ही गिरेगा है ना और जो बड़ा सोचता है दूर का सोचता है वो बड़ा पैसा बनाए क्योंकि 2008 में और 2000 में जो कांड हुए थे इससे ज्यादा ही है और ये सॉलिड फंडामेंटल्स होते हैं ईल्ड कर कोई मजाक नहीं होता है ना जो ट्रेडर्स हैं उसको इनको बहुत सीरियसली लेना चाहिए बस वही मार्केट जब बढ़ रहा होता है तो काहे का यील्ड कर और काहे के बॉन्ड्स और काहे का इन्फ्लेशन और काहे का क्या है <laughs> ना तो ऐसे लोग पैसा बना भी नहीं पाते ठीक है यार जो भी है फिलहाल जून की एक्सपायरी में बैठे हुए हैं ज़्यादातर पैसा वहाँ पर लगा हुआ है एट्टी परसेंट से ज़्यादा बाकी सबसे जो भी है उसमें अभी तो देखें तो वीकली एक्सपायरीज में मूव ही नहीं दे रहा मार्केट इंडिया एकदम एक डाउन है लेकिन मिड कैप निफ्टी के ऑप्शनस हैं रखे हुए हैं जिस दिन भी चलेंगे बहुत जम के चलेंगे मिड कैप निफ्टी का चार्ट देख लो यार ये जिस तरह से इस तरह के मूव्स देता है ये पाँच दस मिनट में ही जब देना होता है ना पाँच दस मिनट में ही दे देता ही है ये वीकली में इतने रिटर्न बन जाते हैं कि 20 परसेंट कैपिटल से वीकली ट्रेड किया और इस तरह के मूव कैप्चर किए तो 20 परसेंट सौ से ज़्यादा बना दे ऐसे चार पांच मूव कैप्चर कर लिए एक महीने में तो बस बाकी तो दस बार फेल हो जाओ अरे बीस बार फेल हो जाओ ये पाँच दस रुपए के ऑप्शन दो दो तीन तीन सौ होते हैं पकड़ लिए हो गया है ना इसका आधा भी पकड़ लिया तो भी हो गया यार ठीक है वीडियो क्लोज करता हूँ ईल्ड कर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो पिटाई हो रही है ब्रॉडर मार्केट में अगर ये रिकवर नहीं किया आज यूएस मार्केट तो भाई साहब जो मैं बोल रहा हूं कि जिस तरह से मार्केट पैटर्न बना रहा है अपने वो बड़े गैप डाउन के ही बना रहा है वो बड़ा गैप डाउन हो सकता है फ्राइडे को ही दिखे अपने को किसी को शॉर्ट में एंट्री का मौका नहीं मिलेगा किसी को लॉन्ग से निकलने का मौका नहीं मिलेगा इंडिया एक सीधा पंद्रह वंद्रह के ऊपर और ख़त्म टाटा बाय बाय जो बैठा हुआ था इस बुलरन में पोजीशन बना रहा था है ना इस यूफोरिया में दूर के ऑप्शंस की वो तो गैप डाउन में ही बना लेगा भाई गैप डाउन में उसकी क्या बोलते हैं वक्त तो बदल जाएगा जज्बात बदल जाएंगे सब बदल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है तो प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक इम्पॉर्टेंट रहेगी मेरी बहुत सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग ऑन सोशल मीडिया कि आप जो पैसा बनाओगे भी जो लोग हैं शॉर्ट में बैठे हुए उस पैसे को वापस मार्केट को देने से बचाना है इसलिए भैया जून तक मेरे को पकड़ के रखो एकदम है ना क्योंकि जितने यहाँ पे अगर एक्साइटेड हो गए ना ऐसे मूव्स में बड़ा गैप डाउन कुछ ये सब उससे नहीं होगा एक्साइटमेंट में देखो आप नंगा बियर क्रैश हो चुका है अब गिरा अब गिरा क्रैश 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 हर बार बाय हो जाता है शटर बंद होगी लेकिन भैया बहुत इंतजार बहुत पेशेंस और बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ेगा इमोशंस एकदम दूर ठीक है तो ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो पैसा बनेगा ना वो बहुत चुटकियों में वापस जा सकता है मार्केट को तो भैया बिल्कुल जो भी करो एक बार मतलब मेरे व्यू जरूर देख लो मार्केट पर क्या है प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक मनी मैनेजमेंट ये सब के लिए सिंसियर हो जाओ वरना हो सकता है कल गैप डाउन पे या फ्राइडे को गैप डाउन प्रॉफिट बुक कर लो उसके बाद यूएस में फॉलो थ्रू सेलिंग है निफ्टी नीचे गिरा जा रहा और ये भाई सब यहीं निकल गए तो भैया प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है उस वीडियो का मैं लिंक फिर से दे दे रहा वो देख लेना भाई है ना पिंट कमेंट में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक अगर नहीं आती तो सारा पैसा जो भी कमाया मार्केट में पक्का जाएगा वापस है ना ये मेरी गारंटी है वो नॉलेज बहुत ज़रूरी है ठीक है मिलते हैं आज शाम को लाइव में देखते हैं यूएस मार्केट मुझे नहीं लग रहा रिकवर करेंगे है ना जिस तरह का प्राइज एक्शन दिख रहा है बिल्कुल सस्टेन कर रहा है बिल्कुल सस्टेन कर रहा है बस थोड़ा सा सोने पे सुहागा हो जाए अगर एनवीडिया लीड करे है ना एनवीडिया लीड करे 840 830 के आसपास सपोर्ट ले रहा है जो ये सपोर्ट्स ब्रेक कर दे ठीक है भाई मिलते हैं आईपीएल मैच एंजॉय करते हैं और लगभग 11 बजे लाइव आता हूँ ठीक है यार कंटेंट पसंद आए तो लाइक कर दिया करो शेयर कर दिया करो लोगों तक पहुँचे तो भला हो भाई मैं तो दिल से चाहता हूँ सबका कैपिटल बड़े आप बड़े बन जाओगे तो रेस्ट ऑल इज बाय प्रोडक्ट स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है आपके पास बड़ा कैपिटल हो ब्रोकर्स के लिए अच्छा है आपकी फैमिली के लिए अच्छा है इंडिया की इकनॉमी के लिए अच्छा है इन्फ्लुएंसर्स के लिए अच्छा है सबके लिए अच्छा है भाई तो हर यूट्यूबर को हर इन्फ्लुसर कोशिश करना चाहिए कि लोग बड़े बने मैं तो कर रहा हूँ मेहनत लेकिन आपके इमोशंस आपका डिसिप्लिन आपका पेशेंस ये सब तो इनर क्वालिटीज़ होती हैं वो तो मैं नहीं डेवलप कर सकता आप में जो डिसिप्लिन होगा जो जो मज़बूत इंसान होगा वही बढ़ पाएगा बाकी तो जंगल में जो कमज़ोर है वो मार ही दिया जाता है तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता बाकी मैं अपनी तरफ से जो भी राइट गाइडेंस होता है वो टाइम टू टाइम दे रहा हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में क्या अभी ग्यारह बजे लाइव आता हूँ रात में फिर से देखेंगे यूएस मार्केट क्या चलते हैं